Hey guys, welcome to City in Brief. So, इस वीडियो के अंदर हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स का, दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स टू इकोनॉमिक्स. सो बिजनेस इकोनॉमिक्स को मैनेजर इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, एंड जो भी इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स होते हैं, एनालिसिस होते हैं, कोई भी कंपनी उनका यूज़ करती है ताकि वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें एंड उसके बाद कोई भी कंपनी इंपॉर्टेंट डिसीजन को ले सकें. अब जो भी एप्लीकेशन होती हैं, काफ़ी सारी इसके अंदर थ्योरीज इन्वॉल्व होती है, इकोनॉमिक की थ्योरी, इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट होते हैं एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है, जो कि बिजनेस अपने अलग अलग ऑपरेशंस में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में यूज करते हैं ताकि वो कोई भी प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सके. तो ऐसी कुछ की एरियाज के बारे में हम पढ़ेंगे. सो फर्स्ट की एरिया हमारा डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग, यानी कि जो बिजनेस इकोनॉमिक्स होता है वो हेल्प करता है कंपनीज को ताकि जो भी कंपनी है वो एनालाइज कर सकें कि कितने डिमांड है उनके प्रोडक्ट की मार्केट के अंदर, फिर उसके बिहाफ पे वो अपना प्रोडक्ट बना सकें, ठीक है. बेसिकली क्या होता है, जो कंपनीज होती हैं वो अंडरस्टैंड करती हैं कि उनका कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है, मार्केट में किस तरीके से ट्रेंड चल रहे हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके बिहाफ पे जो कस्टमर की डिमांड है वो इन्फ्लुएंस हो रही हैं, एंड फिर उसके बाद जो बिज़नेस होता है वो डिसीजन को लेता है कि उन्हें किस टाइप की प्राइसिंग रखनी है, क्या प्राइस रखने हैं उन्हें अपने प्रोडक्ट के अंदर. अगर मार्केट में डिमांड ज़्यादा है तो उस अकॉर्डिंग जो बिज़नेस होते हैं वो अपने प्राइस को सेट करते हैं, उन्हें प्रोडक्शन कितनी करनी है. अगर मार्केट में डिमांड ज़्यादा लगती है तो कोई भी जो कंपनी होगी वो ज़्यादा प्रोडक्शन करेगी अपने प्रोडक्ट की. अगर मार्केट में उस प्रोडक्ट की डिमांड है ही नहीं तो कंपनी को हैवी लॉस हो सकता है, इसलिए कंपनी ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं करेगी. कैसी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बिजनेस को यूज़ करनी चाहिए ताकि जो उनके कस्टमर है वो जल्दी से जल्दी इन्फ्लुएंस हो एंड उनका जो बिजनेस है वो ग्रो करे मार्केट के अंदर. सेकेंड हमारी की एरिया या फिर एप्लीकेशन हो सकती है कॉस्ट एंड प्रोडक्शन एनालिसिस, यानी कि बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या करती है, असिस्ट करती है कॉस्ट को एनालाइज करने में एंड प्रोडक्शन प्रोसेस को एनालाइज करने में. अब इसकी हेल्प से जो बिजनेस होते हैं वो इस चीज़ को डिटरमाइन कर पाते हैं, समझ पाते हैं कि उनके लिए सबसे अच्छा प्रोडक्शन का तरीका क्या हो सकता है जिससे उनके जो रिसोर्सेज हैं वो भी अच्छे तरीके से हो जाएँ, यानी कि ऑप्टिमल रिसोर्स एलोकेशन वो कर दें, जो भी उनकी कॉस्ट इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज हैं उसको भी वो इम्प्लीमेंट कर दें ताकि जो उनकी कॉस्ट है बनाने की, जो लागत है वो कम से कम आए. तो ये क्या करते हैं, इस तरीके को एनालाइज करते हैं एंड इस की मदद से क्या होता है, कोई भी जो बिजनेस है वो अपने प्रॉफिट को ज्यादा से ज्यादा कर पाते हैं एंड अपनी कॉस्ट को कम से कम कर पाते हैं. थर्ड की एरिया एंड एप्लीकेशन होता है हमारे पास प्राइसिंग डिसीजन. जो बिजनेस इकोनॉमिक्स होती है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है प्राइसिंग के डिसीजन को लेने में, यानी कि कंपनी को अपने प्रोडक्ट का किस तरीके से प्राइस सेट करना चाहिए वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एंड उसकी हेल्प करती है बिजनेस इकोनॉमिक्स. अब इसके अंदर जो बिजनेस है वो इस चीज़ को समझते हैं कि उनकी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी किस तरीके से होनी चाहिए एंड इसको करने के लिए वो अलग अलग फैक्टर्स को पहले समझते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी आएगी, यानी कि कोई भी अगर हमें कोई भी प्रोडक्ट को बनाना है, पर्टिकुलर प्रोडक्ट को अगर हमें बनाना है तो उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी लगने वाली है, मार्केट में उस प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है, मार्केट में कितना कंपटीशन, यानी कि हमारे कॉम्पिटिटर्स कितने सारे हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी है. तो इस चीज़ को जो होती है वो कंपनी एनालाइज करती है, फिर एनालाइज करने के बाद वो अपनी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी को करती है यूज़. अब ये जो एनालिसिस होता है इसकी मदद से जो बिजनेस होते हैं उन्हें एक अंदाज़ा मिल जाता है कि किस तरीके से उन्हें अलग अलग प्रोडक्ट के बारे में प्राइस सेट करना है जिससे जो कंपनी है वो प्रॉफिटेबल भी हो और कॉम्पिटिटिव भी हो. फोर्थ हमारी एप्लीकेशन और की एरिया होता है मार्केट स्ट्रक्चर एनालिसिस, यानी कि जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो एग्जामिन करता है, समझता है अलग अलग मार्केट स्ट्रक्चर को, जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन हो गया, मोनोपोली हो गया, ओलिगोपोली हो गया, ठीक है. अब जो कंपनी है जब वो मार्केट स्ट्रक्चर को समझती है तो उससे जो बिजनेस है उन्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है मार्केट पावर को डिटरमाइन करने में, कॉम्पिटेटिव पोजिशन को समझने में एंड पोटेंशियल बैरियर्स टू एंट्री, यानी कि उनकी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर कितने बैरियर्स से एंटर करने में, इसको समझने में बिजनेस को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है. यानी कि वो ओवरऑल क्या कर रहे हैं, मार्केट स्ट्रक्चर को समझ रहे हैं. अब अगर वो एक बार मार्केट स्ट्रक्चर को समझ जाते हैं, जो बिजनेस होते हैं वो अपने आप को गाइड कर पाते हैं कि किस तरीके से उन्हें प्राइसिंग करनी चाहिए, मार्केटिंग किस तरीके से करनी चाहिए, अगर कोई भी उन्हें डिसीजन लेना है तो वो किस तरीके से स्ट्रैटेजिक डिसीजन को ले पाएंगे. फिफ्थ पॉइंट इज़ इन्वेस्टमेंट एनालिसिस. अब जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो हेल्प करता है इवैल्यूएट करने में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को, यानी कि कंपनी को अपने पैसे को किस तरीके से लगाना चाहिए, कौन से प्रोजेक्ट में उन्हें अपने पैसों को इन्वेस्ट करना चाहिए. अब जब कंपनी एक बार एनालाइज कर लेती है अलग अलग फैक्टर्स को, जैसे कि एक्सपेक्टेड रिटर्न्स, यानी कि अगर कंपनी किसी भी प्रोडक्ट के अंदर कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट कर रही है तो उस इन्वेस्टमेंट से उन्हें कितने रिटर्न मिल सकते हैं, कितना रिस्क है उस इन्वेस्टमेंट के अंदर, मार्केट की क्या कंडीशन चल रही है, तो इन सब को समझने के बाद जो कंपनी होती है इन्वेस्टमेंट करती है, ठीक है. अब कंपनी क्या करती है, जब एक बार वो ये सारे फैक्टर्स को समझ जाएगी अलग अलग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए, तो उसके बाद वो कोई भी बेस्ट अपॉर्चुनिटी को सिलेक्ट कर सकती है एंड अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन को अच्छी तरीके से ले सकती है.
इसको एनालाइज करने से क्या होता है, जो भी प्रॉफिटेबिलिटी होती है, फीजिबिलिटी होती है इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट की, वो मेंटेन रहती है, क्योंकि कंपनी पहले ही एनालाइज कर चुकी है कि उन्हें कितना रिटर्न आ सकता है, कितना रिस्क है, क्या मार्केट कंडीशन चल रही है। सिक्स एप्लीकेशन या की एरिया है हमारे पास स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग, यानी कि जो बिजनेस पॉलिसी होता है वो एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है स्ट्रैटेजिक डिसीजन को लेने का। अब इसके अंदर जो बिजनेस होते हैं वो इम्पैक्ट ऑफ वेरियस स्ट्रैटेजिक चॉइसेस, यानी कि जो बिजनेस होते हैं उनकी हेल्प हो जाती है ये चीज़ को समझने में कि अलग अलग स्ट्रैटेजिक चॉइसेस उनके बिजनेस के ऊपर किस तरीके से इम्पैक्ट करेगा, जैसे कि मार्केट एंट्री, डाइवर्सिफिकेशन, मर्जर्स, एक्विजिशन, यानी कि ये सारी चीज़ें उनके बिजनेस को किस तरीके से इम्पैक्ट कर सकती हैं, उनकी स्ट्रैटेजिक चॉइसेस को किस तरीके से इंपैक्ट कर सकती हैं। अब जब कंपनी एक बार इस चीज़ को एनालाइज कर लेती है, समझ लेती हैं, तो वो इस चीज़ को भी आसानी से पता लगा पाती हैं कि उनका कितना रिस्क हो सकता है मार्केट के अंदर, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है कंपनी के पास जो कंपनी ईजिली ग्रैप कर सकती हैं, कंपनी के पास क्या क्या लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन हो सकती हैं जिनको वो लगा सकती हैं स्ट्रैटेजिक डिसीजन को लेने के लिए। हमारा 7th पॉइंट है गवर्नमेंट पॉलिसी एनालिसिस, यानी कि बिजनेस इकोनॉमिक्स एग्जामिन करते हैं गवर्नमेंट पॉलिसी का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, गवर्नमेंट ने जो भी रेगुलेशंस बनाए उनका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है बिजनेस ऑपरेशंस के ऊपर। अब इसकी हेल्प से जो बिजनेस होते हैं उन्हें ये समझने में मदद मिलती है कि जो भी इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस हैं, जैसे कि पॉलिसी से रिलेटेड जो भी इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस होते हैं गवर्नमेंट के, जैसे कि टैक्सेशन हो गया, ट्रेड हो गया, लेबर हो गया, इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस हो गया, तो इनके क्या क्या इम्प्लीकेशन पड़ सकते हैं किसी भी बिजनेस के ऊपर। अब इस चीज़ को समझने से जो बिजनेस होता है वो अडेप्ट कर पाता है रेगुलेटरी चेंजेस को, यानी कि जहां पर भी उसे नीड लगती है रेगुलेटरी चेंजेस करने की तो वो उसे इजीली अडेप्ट कर पाते हैं, समझ पाते हैं। इसके बिहाफ पे जो बिजनेस होते हैं वो इन्फॉर्म्ड पॉलिसी रिकमेंडेशंस को बना पाते हैं, यानी कि बिजनेस को अपने अंदर भी बिजनेस पॉलिसी सेट करनी होती है तो वो जो पॉलिसी रिकमेंडेशंस होती है, इन्फॉर्म्ड पॉलिसी रिकमेंडेशंस होती है, वो इजीली बना पाते हैं जब वो गवर्नमेंट पॉलिसी एनालिसिस को अच्छे तरीके से कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स।